देखो बात ऐसी है, यहाँ पे रात को आग लग गई थी, उस वजह से सब कुछ जल के राख हो गया। कुछ नहीं बचा है, फ्रिज वगैरह है, कपड़े वगैरह है, सब कुछ लोहे के बक्से ये तक सब जल चुके हैं। तो सरकार से यही निवेदन है कि जितना हो सके प्लीज इन लोगों की मदद करें, ताकि अपना काम आगे सुचारू रूप से चला सकें ये लोग। नुकसान तो जी कितना, सब कुछ चल रहा हो गया तो नुकसान तो आप नहीं पता है। हाँ सब कुछ था, ये देख लो, ये बक्सा देख लो, ये दो बक्सा देख लो, सब कुछ राख हो गया। जो तनख्वाह कपड़ा है बच्चों का यही है और कुछ नहीं है। जब जगाया, जब आग लग रही थी नीचे थोड़ी थोड़ी, तो बाद में फिर एकदम तेज हो गई। जब अड़ोसी पड़ोसी को बोला, जब आग बुझाई लाइन गिरी तब आग लग गई। फिर 3 बजे यहाँ पे बुझी थी। अच्छा, मतलब गांव वालों ने फिर बुलाया इधर रात जो थे पानी वाणी से। हाँ, यहाँ पे पानी पानी से की गाड़ी को बोल हुई रात, ये नहीं नहीं हो पाया। हम तो गांव से भी उम्मीद करते हैं, सरकार से भी मांगते हैं, लेकिन गरीब बच्चों को कुछ न कुछ जो है प्रोत्साहन दिया जाए, ताकि इनका गुजारा बच्चा काम चल सके। इसको सहारा मिलना चाहिए कम से कम भी 3-4 लाख, जब इसका घर चले। लाखों का नुकसान हो गया, कई लाखों का नुकसान, हाँ सब जड़ कर राख होगी। इसने श्याम ने छत पर चढ़कर अड़ोसी पड़ोसियों को जगाया है, और इसका मेन आदमी है कोई कमाऊ नहीं। ये एक लड़का है सीधे, और कभी तलिए रखा है, ये कुछ दहाड़ी करके ले आता है, सब्जी मंडी में जाते कोई गाड़ी चला कर, जब इसका गुजारा बिल्कुल अभी पीछे जो खड़ा है जो इनके साथ। देखिए, आज हम महेंद्रगढ़ के भगड्याणा गांव में मौजूद हैं, और भगड्याणा गांव में रात को शॉर्ट सर्किट से भयंकर आग लग गई। क्योंकि ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जो जिस तरह से सामान है ये सारा जलकर राख हो गया, और ये कमरा है इसके अंदर जो है शॉर्ट सर्किट हुआ, और इसके बाद जितना भी सामान था वो सारा जलकर राख हो गया। तो ये भाई यहाँ पर मौजूद है, उनसे थोड़ा सा जान लेते हैं भाई कैसे क्या हुआ, कब की ये घटना है। भाई आज रात 2 बजे की है, मैं 12:30 बजे आया था, और मैंने यहाँ पे बैठ के खाना खाया 12:30 बजे तक, तब तक तो सब कुछ सही था। मैं ऊपर जाके सो गया, जब आग लगी है तो रात को माँ आई 2 बजे, तो जब जगाया, जब आग लग रही थी नीचे थोड़ी थोड़ी, तो बाद में फिर एकदम तेज हो गई। जब अड़ोसी पड़ोसी को बोला, जब आग बुझाई लाइन गिरी तब आग लग गई। फिर 3 बजे यहाँ पे बुझी थी। अच्छा, मतलब गांव वालों ने फिर बुलाया इधर उधर रात जो भी लोग थे पानी वाणी से। हाँ, यहाँ पे पानी तो पानी से की गाड़ी को नहीं बोल हुई रात, ये नहीं हुई, नहीं हो पाया। नहीं तो मतलब क्या काम करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ किसी प्राइवेट, उसमें नहीं सब्जी मंडी में प्राइवेट। हाँ, प्राइवेट ही है। हाँ जी, तो अभी काफी कितना नुकसान हुआ है करीब आपको यहाँ पे? अभी तो देखो एस्टिमेट तो पता नहीं, यहाँ पे वैसे जो कुछ भी था सब कुछ जल गया। मतलब जो पैसे वैसे सब यहीं थे सब कुछ? हाँ, पैसे 16-17 हज़ार रुपए थे जिसके आग लग गई, और कुछ बच गए। हाँ, तो कितने सदस्य रहते हैं पे? यहाँ पे बच्चे समेत 6 सदस्य। हाँ जी, तो अभी बताया जा रहा है कि पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं बचाया आपके पास? नहीं, कुछ नहीं है, बस जैसे अभी आपके सामने जैसे हैं, इससे अलावा कुछ नहीं है हमारे पास। क्या मांग करते हैं, जैसे कुछ हेल्प हो जाए सरकार की तरफ से? हाँ, हेल्प तो चाहिए, क्यों, कुछ कमाने वाला तो कोई है नहीं, बाबा थोड़ा पाइज है। तो आप अकेले हैं घर में? हाँ, मैं अकेला ही हूँ। ठीक है जी, आप भी बताइए क्या नाम आपका? कौशल है जी। कौशल है, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, हम तो जी यही सुते था इसमें, इस साइड में सुते, और ये बच्चे सुते थे ऊपर। आप इनकी मदर है क्या, माता जी? हाँ जी, हाँ जी माता जी। तो यहाँ फिर मैं टाइम तो जी देखा नहीं, ये धुआं आई ना बाहर से कमरा मां से निकल के, तो फिर सब धुआं दौड़ हो रहा था, फिर मैंने उठ के देखा था अंदर से धुआं आ रही थी, जब फिर भी बाज कोई इनको जगा था, कोई नहीं सो रहा था कमरा में, कोई नहीं सो रहा था, दरवाजा बंद था। दरवाजा बंद था। हाँ, हम तो दोनों बुढ़ा बुढ़ी बुरे सुना सर, ये टब्बर ऊपर सुत गया था छत, जब खूब जोर की आग लग रही थी। कितना नुकसान हो गया? नुकसान तो जी कितना, सब कुछ राख ही हो गया तो नुकसान तो आप नहीं पता है। में सारा सामान। हाँ, जो जेवर आपके पैसे वैसे से सब। हाँ जी, सब कुछ था इसी में था। ये देख लो, ये बक्सा देख लो, ये दो बक्सा देख लो, सब कुछ राख हो गया। जो तनख्वाह कपड़ा है बच्चों का यही है और कुछ नहीं है। मतलब ये है कि सामान सारा जल के राख, किसी मतलब व्यक्ति का कोई ऐसा कोई नुकसान नहीं है जी? व्यक्ति तो हम तो यहाँ सुते थे, ये बच्चे ऊपर से, व्यक्ति व्यक्ति का कुछ नहीं है जी, बस सामान ही जड़ कर राख हो गया तो और कुछ ना हो। इस तरह से मदद चाहिए सरकार से, क्या मांग? हाँ जी, सरकार से जी जितना वो है, हम तो गरीब आदमी है, अपना कारण धंधा करे, अपने रोटी खावा, ये जितनी मदद हो उतनी कर। एक बेटा ही आपके जी कमाने वाला है? ये बेटा भी जी मेरा देवर का है। अच्छा, मेरा 3 बच्चा था, वो तीनों खत्म हो गया, ये देवर का बच्चा है ना, ये मैंने गोद लिया है। अच्छा, तो ये हेल्प करता था? हाँ, यही हेल्प करता है मेरी। तो नुकसान हो गया काफी? हाँ, नुकसान काफी होगा, मैं क्या करूँ। बिल्कुल बिल्कुल,
तो आप देख सकते हैं भी जितने भी वीडियो इस देख रहे हैं ऐसे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते हैं और सरकार तक इसकी मांग जो है ये ज़रूर पहुंचाएं। तो इधर दिखाइए काफ़ी यहाँ के ग्रामवासी मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे, जैसे भाई साहब काफ़ी मुसीबत में है जी, तो सरकार भी जैसे कुछ मदद करे और गाँव के लोगों से भी कुछ मदद की उम्मीद करते हैं भी जी, किस तरह से क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आप सभी बंधुओं को नमस्कार। मैं कहना चाहूँगा ये बहुत गरीब परिवार है, अपना गुजर बसर जैसे तैसे कर रहा है गांव में। लड़का है, इनके फादर जो है ना अपाइज हैं, ये जैसे तैसे अपना ड्राइवरी करके अपना काम चलाता है गांव में, घर बसा रखा है। अब भगवान भी गरीब का कभी साथ नहीं देता, शॉर्ट सर्किट होने से एक ही इनके कमरा है मेन, जिसमें सारा सामान रखा था वो सारा जल के राख हो गया, शायद आप लोगों ने दिखा भी दिया होगा। हाँ जी सर, तो हम सरकार से अनुग्रह करते हैं जी, जितनी मदद हो सके इस परिवार की मदद की जाए। गाँव वासियों से हम मिलके गांव के जितने भी हैं उनसे हम प्रार्थना करेंगे भाई इनकी जो मदद होगी गांव की तरफ से मदद की जाएगी। सर क्या कहना चाहिए? ये नहीं हो सके जितनी मदद से मदद की जाए वैसा। तो गांव के सरपंच कौन है? गाँव के सरपंच सरपंच प्रतिनिधि है। सर नमस्कार। नमस्कार। तो आपकी पुत्र वधु है सरपंच का? हाँ जी। तो जैसे ये नुकसान हुआ है, काफी नुकसान हो गया, नुकसान काफी हुआ है, तो गांव वालों से भी कुछ मदद की उम्मीद हो या फिर सरकार से भी गांव से क्या भी मांग करते हैं? हम तो गांव से भी उम्मीद करते हैं, सरकार से भी मांगते हैं, लेकिन गरीब बच्चों को कुछ न कुछ जो है प्रोत्साहन दिया जाए ताकि इनका गुजारा बच्चा काम चल सके। फिलहाल इनके पास कुछ भी नहीं बचा है, सब जल के राख हो गया। सब जल के राख हो गया, आपने देखा है सारी बात। तो मतलब ये बेटा जो है इस मदर ने इसकी माँ, ये माँ बता रहे हैं कि देवर का बेटा गोद लिया, इनके तीन बेटे थे वो एक्सपायर हो गए थे। हाँ। ये भी सच बात? ये भी सच है। मतलब ये तो काफी कठिनाई वाली बात है। कठिनाई है ये, वो तो अपाइज है, वो तो बेड पेशेंट है, वो क्या कर सका है, किमी कमान है, ये बात है ना। अगर सरकार से आपसे किमी अगर सरकार प्रार्थना करे तो वो किमी दे दे तो वो अच्छी बात है, गुजारा हो जाए बालका। नाम आपका? बतेरी। बतेरी। हाँ। तो आपने देखा कि रात को जैसे इनका सारा सामान जल के सारा जल गया जी, कुछ तो... भी कोई नहीं, सारा जल गया, जल के नहीं क्या थी गुजारो करे, किम थोड़ा घणो काम मस्ती किम कर दे, किम सरकार ती मिल जाए तो गुजारो जाए। हाँ? हाँ। आप भी करो सारो दो, किम गांव बस्ती भी देगी तो उनको फिर घर चल जाए। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे जी? इसको सारा मिलना चाहिए कम से कम भी 3-4 लाख, जब इसका घर चलेगा। लाखों का नुकसान हो गया। हाँ, कई लाखों का नुकसान हो गया। सब जल कर राख होगी। हाँ, सब जल कर राख होगी। इसने श्याम ने छत पर चढ़कर अड़ोसी पड़ोसियों को जगाया है और इसका मेन आदमी है वो खाट पे, कोई कमाऊ नहीं। हाँ, ये एक लड़का है, देवर का बेटा ले रखा है, ये कुछ दहाड़ी करके ले आता है, सब्जी मंडी में जाते कोई गाड़ी चला कर, जब इसका गुजारा है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी पीछे जो खड़ा है, जो इनके शर्ट वगैरह भी नहीं है, ये भाई है, ये वाला तो यही वस्त्र इनके शरीर पे बचा हुआ है, अभी जगह सब जल कर राख हो गया है। देखिए जो गांव की महिलाएं हैं वो भी यहां पर आई हैं और इनका दुख दर्द बांटने के लिए। तो मैडम क्या कहना चाहेंगे, जैसे काफी नुकसान हो गया है और कैसे सरकार से मतलब की मांग करते हैं? सर देखो बात ऐसी है, यहाँ पे रात को आग लग गई थी, उसकी वजह से सब कुछ जल के राख हो गया, कुछ नहीं बचा है, फ्रिज वगैरह है, कपड़े वगैरह है, सब कुछ लोहे के बक्से ये तक सब जल चुके हैं। तो सरकार से यही निवेदन है कि जितना हो सके प्लीज इन लोगों की मदद करे ताकि अपना काम आगे सुचारू रूप से चला सके ये लोग। तो जैसे काफी नेता है जो वोटों के टाइम पे काफी करोड़ों रुपए का खर्चा करते हैं, उन नेताओं से क्या कहेंगे कि एक्चुअल में ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए? सर ये तो देखो ऐसा है कि जो जहाँ पे बेफालतू फिजूल खर्चा करते हैं वो लोग नहीं, अभी इनको सख्त में इन चीजों की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, इनका सब कुछ दोबारा से, इनकी इतनी आमदनी भी नहीं है कि भाई अपना काम डेली अपना रूटीन से कर सके। तो उनसे ये है कि जहाँ वो अपना पैसा वैसे फालतू उसमें काम में खर्च करते हैं वो लोग इनको आके दे, इनकी इनकी जरूरत पूरी हो सके उस चीज से। एक्चुअल में ये मदद के लायक? हाँ जी, ये बिल्कुल सर, इनको बिल्कुल बिल्कुल मदद चाहिए बहुत ज्यादा। थैंक यू। कुछ भी नहीं बचा है इनके पास, खाने के वाली नाज भी नहीं बचा है, शाम को भी क्या खाएंगे सब, मतलब गांव वाले मदद करें। गांव वाले मदद कर देंगे। हाँ, मदद कर देंगे, पर इनको दुआना जरूर। अच्छा। इनके पास कुछ भी नहीं बचा है एक्चुअल में, हाँ, ना इनके घर कोई मतलब छोटे छोटे बच्चा है, कुछ भी नहीं है, बस एक ही है, एक ही कमरा है इनका, मतलब ससुर है वो तो बीमार रहता है, और एक है वो भी अपाहिज है। हाँ, और ये बेचारी औरत महिलाएं के कर सकती है, ये भी बच्चा गोद पे ले रखा था। हाँ, गोद पे। हाँ, वो ही कमा के ले आवे कुछ, ये बता सब कुछ राख हो गया है,
कोई सरकार मदद करेगी जब ही इनको काम चलेगा, हाँ जब ही गुजारा हो सके इससे। ठीक है, तो देखा आपने ये जो सारा जो सामान है जलकर राख हो चुका है और इन्होंने सरकार से भी मांग की है और यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं या फिर जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मांग की है कि इनका कुछ ना कुछ समाधान हो। लाखों रुपए का जो इनका सामान था वो जलकर राख हो चुका है, इनके पास जो है कपड़े भी नहीं बचे हैं पहनने के लिए और पूरा जो अंदर तक का फ्रिज है, पंखे हैं, बिजली से मतलब सारा शॉर्ट सर्किट हो करके सारा तहस नहस हो गया, सब सामान जलकर राख हो गया। तो सरकार से भी हम मांग करते हैं कि इन गरीब लोगों की मदद की जाए और ग्रामवासियों से मदद की गुहार लगाते हैं कि भी इनकी भी मदद की जाए, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा कि भी सभी मिलकर अगर मदद करेंगे तो इनका घर बस जाएगा दोबारा से। तो कहते हैं ना, दान देने वालों की कमी नहीं, लेकिन सही समय पर सही वक्त पर दान दिया जाए तो वही दान कहलाता है। तो हमारे वीडियो को भी आप शेयर करके और इस बात को आगे तक पहुँचा सकते हैं। और इसका एड्रेस है, ये जो भगड़ियाना गाँव है, भगड़ियाना गाँव में जो शहीद की मूर्ति लगी हुई है उसके पास ही ये मकान है, तो यहाँ पर आप इनसे बात कर सकते हैं और यहाँ पर आकर के इनकी जो चाहे आप मदद कर सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, MGN हरियाणा लाइन के साथ। नमस्कार।